सुप्रभातः छात्रा, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 12 सुभाषित सप्तकम अ बंच ऑफ 7 गुड सेइंग। यहाँ पर हम सुभाषित लेंगे, हर एक सुभाषित में से हम कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है, कुछ न कुछ थॉट मिलता है हमें। तो यहाँ पे हम अपना लेसन स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट श्लोक हमारा है कि शनै पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर् विद्या शनैरवितम पंचतानि शनै शन। जीवन में कोई भी चीज़ पानी है तो थोड़ी शांति तो ज़रूर रखनी चाहिए। शांति रखने से आपको जीवन में हर एक चीज़ अच्छे से मिलेगी। अगर आप जल्दी करोगे तो वो चीज़ मिलेगी ज़रूर, लेकिन जितना आप शांति से पाओगे उतना आनंद आपको मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट श्लोक हमारा ऐसा है कि पांच चीज़ें ऐसी है जो हमें हमेशा स्लोली स्लोली करनी चाहिए। शनै पंथा, शनै पंथा का मतलब है कि हमारे हमें रास्ता काटना है तो धीरे धीरे काटना है। हमें रग बनानी है, जैसे पेच वर्क वाली एक रग बनती है, ऐसी रग बनानी है तो वो भी धीरे धीरे बनानी है। पर्वत को क्रॉस करना है तो धीरे धीरे। विद्या पानी है तो वो भी धीरे धीरे हम पा सकते हैं। और शनै वितम, अगर हमें मनी इकट्ठा करनी है तो वो भी हम धीरे धीरे कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम लेंगे कि वॉक स्लोली अलोंग द रोड, यूज द पैच वर्क गारमेंट स्लोली, क्रॉस ओवर द माउंटेन स्लोली, लर्न स्लोली, एक्वायर वेल स्लोली, देयर दिस फाइव थिंग्स शुड बी डन स्लोली। सेकंड श्लोक हमारा है कि शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचौरहरणी यानी पंचे तानक्षयो निधि। पांच प्रकार के हमारे ऐसे खजाने जिसकी चोर भी कभी चोरी नहीं कर सकता। तो फर्स्ट है हमारा कि अच्छा चरित्र, हमारा चरित्र अच्छा है, हमारे पास सुरवीरता है, हमारे पास उद्यमशीलता है, कार्य करने की शक्ति है हमारे पास पांडित्य है, चतुराई है, और अच्छे मित्रों का एक बंच है हमारे पास। तो गुड फ्रेंड्स ऑफ बंच है हमारे पास। तो कोई भी पांच ही चीज़ ऐसी है जिसकी चोर भी कभी चोरी कर सकता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि कैरेक्टर, ब्रेवरी, इंडस्ट्रियसनेस, स्कॉलरशिप, कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड्स देयर, दिस फाइव आर इम्प्रेसिबल ट्रेजर दैट कैन नॉट बी स्टोलन बाय थीव। चोर भी इस पांच चीज़ की कभी चोरी कर सकता नहीं है। थर्ड श्लोक हमारा है कि सहति ही श्रेयसी पुषाम वि गुणेश्व अपि बंधुषु तुषेरपि परिभष्टा न परोहन्ति तंडुला। इसका हम पहले हिंदी अनुवाद करेंगे कि अगर ओपोजिट क्वालिटी वाले हमारे रिलेटिव्स हैं ना, वो सभी अगर एक साथ मिल जाए ना तो उसकी एकता हमारे लिए कल्याणकारी बन जाती है। जिस तरह से चावल के दाने को अगर उसके छिलके से बाहर निकाल दो तो वो फिर वापस उगने के काबिल रहता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि यूनिटी विद द इवन वर्थलेस रिलेटिव्स इज बेनिफिशियल, द राइस ग्रेन सेपरेट फ्रॉम हस्क डू नॉट ग्रो। वो कभी ग्रो करेगा नहीं, अगर उसके हस्क यानी छिलके से बाहर निकाल दो तो राइस ग्रो करेगा नहीं। उसके बाद के नास्ति, फोर्थ श्लोक हमारा है कि नास्ति मेघ सम तोयम, नास्ति च आत्म समम बल, नास्ति चक्षु सम तेज, नास्ति धान्य समम प्रिय। यहाँ पे है कि मेघ यानी बारिश में से जो पानी मिलता है उसके मुकाबले में और कोई पानी हो सकता नहीं। अपने आत्मबल के अलावा कोई और बल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता नहीं। नेक्स्ट उसके बाद है, हमारी आँखों से बढ़कर और कोई तेज नहीं है, और हमें धान्य से कोई अधिक कोई चीज़ प्रिय होती नहीं है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि देर इज नो वाटर लाइक दैट फ्रॉम द क्लाउड, देर इज नो स्ट्रेंथ लाइक दैट दैट ऑफ सेल्फ, देर इज नो लस्टर लाइक दैट ऑफ द आइज, नथिंग इज एन प्लेजिंग एज अगेन। नेक्स्ट उसके बाद हमारा श्लोक नंबर 5 है कि सत्यम तपो ज्ञानम हिंसताम च विद्यत्व प्रणामम च सुशीलता च एतानि यो विदधाति स विद्वान् न हेक पक्षो विहगः
प्रयाति। यहाँ पे कहा गया है कि सत्यम, तप, ज्ञान, अहिंसा और विद्वानों को प्रणाम और अच्छा चरित्र, ये जिसमें होता है ना उसको विद्वान कहते हैं। रियली में एक विंग्स हो, जिसके अगर एक पक्षी है तो उसको अगर एक पंख होती है तो वो कभी उड़ सकता भी नहीं और कभी वो आगे जा सकता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन होगा कि ही हुज अकॉम्प्लिश द ट्रथ ट्रूथ तप नॉलेज नॉन वायलेंस सैल्यूटेशन टू द लर्न पर्सन एंड गुड मॉरल कैरेक्टर इज अ रियल स्कॉलर बिकॉज द बर्ड हैविंग वन विंग कैन नॉट फ्लाई। नेक्स्ट हमारा श्लोक है 6 नंबर का कि काष्ठाग्नि जायते मथ्यमानत भूमिस्तोयम खन्यमान ददाति सोहत्सानाम नास्यत साध्यम नराणा मार्ग रब्दा सर्वयत्ना फलन्ति। 6 श्लोक में कहा जाता है कि बार बार अगर लकड़े को घिसा जाए तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है, बार बार जमीन में खुदाई करने से उसमें से पानी निकलता है। उसी प्रकार से उत्साही लोग होते उसके लिए कोई भी चीज़ असाध्य नहीं है और वो जो अच्छे से कार्य अगर आरंभ करे ना तो उसको फल भी अच्छा मिलता है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे 6 श्लोक का कि फायर इज द प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड दैट इज द रब्ड अगेंस्ट द अदर वुड द अर्थ दैट इज द बीइंग डग गिव्स वाटर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द एंथेस्टिक्स मैन ऑल एफर्ट स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन बिकम अ फ्रूटफुल। अगर वो अच्छे से डायरेक्शन में अपना कार्य शुरू करेगा तो उसका अपना फल भी अच्छा मिलेगा। लास्ट श्लोक हमारा है कि पात्रम न तापयति नैव मलम प्रसुद स्नेह न सहर्ति नैव गुणाक्षिणोति द्रव्य वशान समये चलताम न धते सत्पुत्र एष कुलसग्नि कह अपि दीप। इस सतरूपी कुल रूपी भवन के अंदर कोई अवर्णनीय दीपक है जो ऐसा पात्र है जो पात्रों को गर्म भी नहीं करता, मेष को उत्पन्न भी नहीं करता, स्नेह रूपी तेल को ख़त्म भी नहीं करता और द्रव्य के नाश होने पर वो चलित भी नहीं होता और अपने गुणों को क्षीण भी नहीं करता। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे द दिस एलिस्ट्रियस सन इज एन इन डिस्क्रेबल of unique the lamp in the house of the density is a does not heat the vessels does not produce a short does not use up oil or ghee does not diminish the wicks and does not flickers at the time of the termination of material। यहाँ पे हमारे 7 के 7 सुभाषित यहाँ पे ख़त्म हो जाते कि ऐसे एपिग्राम है जिसमें से हमें कुछ न कुछ जानने को मिलता है। अस्तु।